खबर इस वक्त मथुरा से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अर्जी दाखिल की गई है। पक्षकार ने शाही ईदगाह में एएसआई सर्वे की मांग की। मथुरा कोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई होगी। कन्हैया शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया शर्मा, क्या डिटेल्स हैं? अब ये मामले की जो सुनवाई है वो 1 जुलाई को होगी, एएसआई सर्वे की मांग की जा रही है, क्या क्या कहा गया इस याचिका में? देखिए, ये एक अलग याचिका है जो मनीष यादव के द्वारा लगाई गई है सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में, जिसमें मांग की गई है कि एएसआई द्वारा सर्वे किया जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए और सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाए। एक अलग याचिका अभी लगाई गई है जिस पर न्यायालय ने 1 जुलाई को सुनवाई तय की है। इससे पूर्व भी सुनवाई को लेकर याचिकाएं जो लगाई गई हैं, जिसमें सर्वे की मांग की गई है, कमीशन गठन की मांग की गई है, वीडियोग्राफी की मांग की गई है, उन सभी याचिकाओं में 1 जुलाई की तारीख लगी है। ये एक अलग याचिका आज लगी है, उस पर 1 जुलाई की तारीख तय की है न्यायालय ने। और श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर अब न्यायालय अभी फैसला सुनाएगा। कुछ ही समय बाद उम्मीद जताई जा रही है कि न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन जो सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में जो याचिका सर्वे को लेकर, एएसआई के सर्वे को लेकर, वीडियोग्राफी और सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने को लेकर लगाई गई है, उस सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने 1 जुलाई की तारीख इसमें तय की है कि 1 जुलाई को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।